नमस्कार। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्रतिभाशाली रावण हत्था वादक हैं जो राजस्थान से हैं। आइए उनसे एक भेंट करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालचंद है। लालचंद, तो लालचंद आप राजस्थान से हो? राजस्थान से। कौन से गांव से हैं? मेरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पीलीबंगा तहसील है, 3 HDP गांव में। अच्छा, तो जो ये आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं इसको रावण हत्था कहते हैं ना? रावण हत्था। तो ये आप कब से बजा रहे हो? हमारा पीढ़ियों से ही है काम। पीढ़ियों से बजा रहे हैं? बाबा परदादा सारे परिवार काम। मतलब आप एक घरानेदार वादक हैं। अच्छा, तो कब से आपने ये शुरू किया इसको बजाना? 6-7 साल का था जब ये चलाना। 6-7 साल का। अच्छा, तो आपने किससे सीखा ये इंस्ट्रूमेंट? मेरे पापा से सीखे थे। पापा से सीखा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है ये किस लकड़ी का बना है? ये बांस का बनता जी, और बाकी सिल्वर की भी लग सकती है गुटियाँ। अच्छा, सुर होते हैं सरगम में वैसे। अच्छा, ये लकड़ के, ये नारियल लगा पीछे। ये नारियल है? ये नारियल है नीचे। अच्छा, और ये जो तारे हैं? ये मोटरसाइकिल की ब्रेक की। मोटरसाइकिल की। और ये घोड़े पूंछ के बाद जी, घोड़े की। इसको क्या कहते हैं? धनी बोलते हैं इसको। धनी। अच्छा, तो आप सबसे पहले मुझे क्या सुनाने वाले हो? थोड़ा रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दूं कि कहते हैं कि रावण इस वाद्य यंत्र को बजाते थे और शिव जी को खुश करने के लिए उन्होंने ये वाद्य प्रयोग किया था। और कुछ मत ये कहते हैं कि राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाते थे तो इस वाद्य को बजा के वो ऊँट भी ठीक हो जाते थे, इतना सुरीला ये वाद्य यंत्र है। पशुओं के लिए बजाते थे, पड़ लगाते थे, पाऊजी महाराज की पड़। अच्छा, अच्छा, बुजुर्ग लगाते हैं पड़। अच्छा, राजस्थान में जिसका भी पशु बीमार है, हाँ, भी है, उनके घर सारी रात को पड़ लगेगी तो पशु ठीक हो सकता है। तो देखिए दर्शकों, ये इस बात की भी पुष्टि हो गई कि म्यूजिक में कितनी ताकत है।
वो पशुओं पे भी असर करती है, इंसानों पे तो क्यों भी ना करे। लालचंद, आप अपना कोई राजस्थानी फोक हमें सुनाएं जो आपको पसंद है। तो लालचंद, आपने सुनाया अपना राजस्थानी लोकगीत। एक मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो आप ये बजाते हैं ये तो अब आपकी आजीविका बन गई है, तो आप खुश हैं अपने प्रोफेशन से? अच्छा, मतलब खुश है आप, आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों से और कमा लेते हो। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या सुनाओगे और हमें एक मधुर कोई गीत? सालों कोटी साल तो पंजाबी गाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा गाया। और दर्शकों, प्रतिभा कहीं भी छिपी हो सकती है, आपने देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाया। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पता नहीं कितने ऐसे कलाकार हैं जिनको ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, और मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट की तो कमी नहीं है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, और सरस्वती का आप पे आशीर्वाद बना रहे, आप जीवन में तरक्की करें, ऊंचाइयों पे जाएं। हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, मेरे चैनल सुर संगीत 09 पर आप बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।